हेलो दोस्तों, नमस्ते, जय श्री राम। आज मैं आपको बताऊंगा कि जो हिंदू भाई वो पाकिस्तान में कैसे रहते हैं और उन लोगों के घर वगैरह और जो रहते हैं वो कैसा होता है। आज मैं सब आपको इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों, आज मैं पहुंच चुका हूँ कोट भगत लखीराम का गांव है, और आज मैं इसको इसमें बताऊँगा, जो इसकी पूरी आपको जानकारी दिखाऊँगा और बताऊँगा। ये पाकिस्तान के सूबे सिंध न्यू दुम्बालो का गाँव है। दोस्तों देख सकते हैं ये पूरा ये गांव है, और आज मैं बताऊंगा कि और यहां के लोगों से भी आपको मिलवाऊंगा, और यहां पर कुछ भाई साहब बैठे हुए हैं उससे भी आपको बात करवाऊंगा। हेलो भाई। हेलो भाई, क्या नाम है आपका? करमचंद भाई। आप यहां के रहने वाले हो? तो भाई, ये करमचंद भाई है जो यहां के रहने वाले इस गाँव का, और इस गाँव के बारे में इन भाई साहब से पूछेंगे। ये देख सकते हैं कितना अच्छा घर अभी जो बन रहा है करमचंद भाई का। तो भाई, यही आपका घर है? ये देख सकते हैं भाई, ये अंदर के जो घर का नज़ारा है, बहुत ही अच्छा डिज़ाइन बना हुआ है घर का, आप देख सकते हैं। भाई, ये घर किसने बनाया है? घर भाई मैंने बनाया है। आप खुद ही मिस्त्री हो यहाँ के? तो भाई साहब, ये जो घर है इस भाई साहब ने बनाया है, करमचंद भाई ने, बहुत ही अच्छा घर बनाया हुआ है, और आगे भी आपको दिखाएंगे। और सुनो भाई, इस गांव के बारे में, ये किसके नाम के गांव है? राजू कोली के नाम। हाँ भाई, अच्छा। और अभी जो इस गांव में बड़ा वो कौन है? भगत लखीराम के नाम से गांव है, बहुत ही अच्छा भाई। तो भाई साहब, आज जो करमचंद भाई यहाँ का पूरा घर बनाएंगे, और सबसे पहले आप इनके घर में देखेंगे। देख सकते हैं भाई, ये करमचंद भाई का कमरा है, और ये कुछ अनाज भी पड़ा हुआ है, ये बर्तन वगैरह और कुछ बिस्तरे, पंखा, और ये लाइट भी लगी है यहाँ पर, और कुछ बाहर का भी विजिट करवाएंगे आपको। और ये एक और पंखा, और ये प्लेट, और काफ़ी कुछ यहाँ पर मौजूद है। ये भाई साहब का घर है, बहुत ही अच्छी लोकेशन बनाई है भाई साहब ने। तो भाई साहब, आप देख सकते हैं इस गांव में जो यहां पर कुछ सब्जियां भी उगाई हुई हैं गांव में घर के अंदर, बहुत ही अच्छा नज़ारा है यहां पर, आप देख सकते हैं। ये नलका लगा है करमचंद भाई साहब का, ये भाई साहब खड़े हैं खुद। और भाई, ये सब्जी आपने लगाई है? बहुत ही अच्छा, आप ही खुद ही यहां पर सब्जी उगाते हो? ठीक है भाई। और भाई साहब के घर ये जो सब्जी बन रही है भाई, कौन सी सब्जी बन रही है अभी? ग्वार। ग्वार की सब्जी बन रही है, बहुत ही अच्छा। और ये भाई साहब ने कुछ पेड़ पौधे भी लगाए हुए हैं, ये जो अभी न्यू आए हुए हैं भाई, ये लीमू है, लीमे जो अभी छोटा पेड़ है भाई। यहाँ पर भी कुछ इस भाई साहब ने लगाया हुआ है, यहाँ पर भी कुछ सब्जियाँ वगैरह छोटी अभी जो लगाई हुई हैं। हाँ, ये भाई यहाँ पे लगाई हैं। आपका नाम क्या है? राजू भाई। बहुत ही अच्छा भाई, ये राजू भाई के जो सब्जियां लगाई हुई हैं। और इधर एक भाई साहब जो अभी ना रहे मोटर पर, भाई कितने दिनों के बाद आ जाना रहे हो? आज मेरे को 10 दिन हो गए। 10 दिन हो चुके भाई को। और भाई, यहाँ देख सकते हैं ये भाई साहब के जो भैंसें और ये बकरियाँ वगैरह भी हैं, बहुत ही बड़ा गाँव है ये। यहाँ के लोग जो ज़्यादातर मजदूर होते हैं, इसी वजह से शाम होते ही या सुबह होते ही निकल जाते हैं मजदूरी पर, यहाँ खेतों में, अपनी अपनी खेतों में भी जाएंगे अभी जो करमचंद भाई की जो खेत है उसमें। भाई, एक छोटा बच्चा यहाँ पर लेटा हुआ है, उत्तम भाई, ये इस भाई का घर है, आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा घर है भाई। अभी हम जा रहे हैं करमचंद भाई के जो खेत है उसमें जाते हुए, अभी करमचंद भाई के जो खेत में पहुंच चुके हैं। करमचंद भाई, आपकी कितनी टोटल ज़मीन है यहाँ पर आबाद? 8 एकड़ आबाद है, और गैर आबाद कितनी? गैर आबाद 4 एकड़ भाई। देख, बता रहा है भाई, जो इसकी ज़मीन है यहाँ पर, ये भाई साहब के जो फसल है, आप देख सकते हैं इधर जो गन्ने का फसल है, ये आम भी लगे हुए हैं। तो भाई, यहाँ देख सकते हैं जो अजय भाई जो अभी यहाँ पर
काम करने आए लेकिन यहाँ पर ये पबजी खेल रहा है। अजय भाई, भाई अजय भाई, आप क्या काम करने आए हो यहाँ पर? घास लेने आए थे, यहाँ पर ये पबजी खेल रहा है, आप देख सकते हैं। तो हम अभी जा रहे हैं करमचंद की भाई की जो सारी खेत हम घूमेंगे आज। विनोद भाई भी साथ है हमारे, जो हमेशा हर वीडियो में साथ होता है। देख सकते हैं भाई, जो करमचंद भाई के जो आम भी हैं बहुत बड़े आम लगे हुए इसमें। तो भाई जो ये आप पीछे देख रहे हैं वही था गांव जो भगत लकीराम करमचंद भाई का जो गांव है ये। और ये जो सारी खेत दिख रही है सारी करमचंद भाई की इस वीडियो में, जो भी आपको मैं दिखा रहा हूँ जहाँ तक नज़र पड़ी है सारी करमचंद भाई की। तो आप देख सकते हैं इधर जो भाई लोग वाटर बना रहे पानी वाला, जो पानी आने वाला है इसलिए वाटर साफ कर रहे हैं। यहाँ पर भी हमने कुछ वीडियो बनाया और अजय भाई भी आ चुका था। तो दोस्तों ये हमारे गांव की जो सबसे बड़ी दादी है, गांव की मुखिया भी है दादी, खेत घूमने आई हुई है यहाँ पर। जो यहाँ पर जो भी मजदूर लोग काम कर रहे हैं उसके पास आई है देखने आई है। तो हमने जो यहाँ का थोड़ा सा व्लॉग बनाया हो और अभी हम सारे जा रहे हैं अपने अपने घर। टीमू भी अपने भाई जा रहा है घर, अपने अजय भी जा रहा है और जहाँ पे जो पीछे लोग बैठे थे वो भी जा चुके हैं, अभी हम भी जा रहे हैं विनोद भाई मुझसे आगे जाने के लिए।